कराची किंग्स ने बाबर आजम को PSL 7 के लिए अपना कप्तान बनाया है। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें संस्करण से पहले प्रशंसकों को बड़ी खबर देते हुए कराची किंग्स ने घोषणा की कि राष्ट्रीय टीम के कप्तान बाबर आजम भी अब PSL के अगले संस्करण में कराची किंग्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। बाबर आजम ने अपने वीडियो बयान में कहा कि कराची किंग्स मेरे लिए एक परिवार की तरह है। मैं वहां पिछले 5 साल से खेल रहा हूं और इस बार सलमान इकबाल ने मुझ पर भरोसा किया और टीम की कमान मुझे सौंप दी। राष्ट्रीय टीम के कप्तान ने कहा कि PSL 7 में मैं बतौर कप्तान अपना 100% प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करूंगा और जब भी मुझ पर कोई जिम्मेदारी आती है तो मैं इसे लेता हूं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करता हूं। बाबर आजम ने कहा कि जिस तरह इमाद वसीम ने टीम का नेतृत्व किया और उनके नेतृत्व में हमने खिताब भी जीता, हम जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि यह साल भी अच्छा खेल खेलेगा। जब कराची किंग्स की खास बात यह है कि समर्थक जो हर परिस्थिति में अपनी टीम के साथ खड़े रहते हैं। कराची किंग्स के कप्तान ने कहा कि हमारी टीम के समर्थक न केवल मैदान के अंदर बल्कि मैदान के बाहर और सोशल मीडिया पर भी अपनी टीम को पूरा समर्थन प्रदान करते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जबकि हम आपके समर्थकों को भरपूर मनोरंजन प्रदान करने की पूरी कोशिश करते हैं और इस साल भी उन्हें खुश करने की कोशिश करेंगे।